हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से सीआईडी विभाग ले लिया गया है, जिसके बाद अनिल विज ने देर रात जारी हुई नोटिफिकेशन के बाद कहा कि मैंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सीआईडी मुझे गृह मंत्री होने के नाते ब्रीफिंग दे, वो उन्होंने शुरू कर दिया है, सीआईडी किसी के पास भी रहे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सुप्रीम है, वो जिसको चाहे जो विभाग दे सकते हैं, मैंने तो कभी इतराज नहीं किया। मेरी तो केवल इतनी बात थी कि जब तक मैं गृह मंत्री हूँ तो सीआईडी डिपार्टमेंट मुझे ब्रीफिंग करे, और कल से उन्होंने करनी शुरू कर दी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सीआईडी अगर बिना गृह मंत्रालय ब्रीफिंग शुरू कर दी तो वो सफिशियंट है सर, है किसी के पास, मेरा कभी ये क्वेश्चन नहीं था, हाईकमांड किसी के पास रहे, मुख्यमंत्री सुप्रीम है, मैंने हमेशा कहा है आप मेरे सारे बयान उठाकर देख लो, मैंने हमेशा ये बात कही है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम है, वो जब चाहे किसी को डिपार्टमेंट दे सकते हैं, जब चाहे ले सकते हैं। सर हाईकमान के इंटरव्यू के बाद ये पॉसिबल हो पाया? नहीं मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल यहीं था। जेपी इकट्ठे गए एक ही गाड़ी में वापस आए? नहीं नहीं उसमें कोई दुश्मनी थोड़ा कोई हमारी, गाड़ी में आने में क्या गलत। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।